हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे गेहूं के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको गेहूं के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देंगे कि गेहूं में न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं और इसकी फार्मिंग कैसे हो। बने रहिए मेरे साथ और हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। जो भी इंटरेस्टेड है वो जरूर वीडियो पे देखना और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि गेहूं का इंग्लिश में जो उसका नाम है वीट, और इसका बोटैनिकल नाम, जो वनस्पतिक नाम है, ट्रिटिकम एस्टिवम, इसका बोटैनिकल नाम है। ओके फ्रेंड्स, और अब हम बात करेंगे कि इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, जहाँ से गेहूं हमारे इंडिया में, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में आया। तो ये उत्पत्ति स्थान इसका है दक्षिणी पश्चिमी एशिया। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले यहीं उगाया गया था ये गेहूं, और 19600 BC में ये गेहूं उगाया गया था। ओके सर, तो बात करें हम वैरायटी की, तो सबसे अच्छी वैरायटी जो है इसमें HI 8759 पूजा तेजस। और दोस्त, हम और दूसरी वैरायटी की बात करें तो दूसरी वैरायटी है HD 4228 पूजा मालावी। और अगर हम तीसरी वैरायटी की बात करें तो HD 1605 पूसा उजाला। और ऐसी ही बहुत सारी वैरायटियां हैं जो काफ़ी अच्छी हैं, और मैं जो अच्छी अच्छी वैरायटी थी मैंने आपको बता दिया। और अगर हम बात करें इसके न्यूट्रिएंट की, तो हमें गेहूं में कौन कौन से न्यूट्रिएंट मिलते हैं, तो चलिए बताते हैं गेहूं में कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं। और अगर हम कैलोरी की बात करें तो 340 किलो कैलोरी एनर्जी इसमें मिलती है। और अगर हम इसमें बात करें वाटर की, तो 11% वाटर मिलता है। प्रोटीन की बात करें तो 13.2 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 72 ग्राम कार्ब्स मिलता है, शुगर 4.0 ग्राम, और फाइबर की बात करें तो 10.7 ग्राम, और सबसे जो कम होता है और अच्छी बात है ये कम मिले, फैट, जो हमारे शरीर में फैट आ जाता है तो अच्छी बात है कि ये बहुत कम है, इसमें 2.5 ग्राम है। इसमें सबसे ज़्यादा ग्लूटीन पाया जाता है, जो कि बेकरी में उपयोग होता है। जो हम बेकरी केक वगैरह खाते हैं, बिस्किट वगैरह, वो गेहूं से के जो आटे होते हैं उसी से बनते हैं। और अगर हम इसको उगाने की बात करें तो सबसे पहले हमें अपने फील्ड को अच्छे से तैयार करना चाहिए, बराबर उसमें जुताई अच्छी सी होनी चाहिए, फिर उसमें जो घास वगैरह हैं घास को निकालना चाहिए, और भी जो ख़राब तत्व हैं जो हमारे सॉइल के लिए, जो हमारी मिट्टी के लिए अच्छे नहीं हैं, उनको बाहर करना चाहिए, कूड़े करकट को, फिर जो है उसको अच्छे से रेडी करना चाहिए, जिससे कि हमारी सॉइल में कोई भी ख़राब तत्व ना हो और हमारी सॉइल अच्छी से, हमारे जो वीट है उसको ग्रो करें। और अगर हम सोइंग की बात करें तो सोइंग हमें किस टाइम करना चाहिए, मतलब बुवाई किस टाइम करनी चाहिए, तो बुवाई के लिए सबसे अच्छा जो टाइम है वो तो या सुबह कर सकते हैं या तो शाम में। और अगर आप गेहूं की बौनी प्रजाति लगा रहे हैं तो आप सिर्फ 4 से 5 सेंटीमीटर ही उसकी जो डेप्थ है, जिसमें आप लगाते डालते हैं, ज़मीन में डालते हैं, उसकी 4 से 5 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। और वहीं अगर आप देसी व लंबी प्रजाति लगा रहे हैं तो उसके लिए 6 से 7 सेंटीमीटर उसकी गहरान होनी चाहिए। और अगर आप देर से लगा रहे हैं, गेहूं का सीजन जैसे जा रहा है, आप थोड़ा लेट कर रहे हैं, तो उसमें 4 सेंटीमीटर ही औसतन माना गया है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, न्यूट्रिएंट भी बता दिया, गेहूं का बोटैनिकल नाम, इंग्लिश नाम, और इसको कैसे बुवाई की जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी सिंचाई के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो सिंचाई की हम बात करेंगे तो सबसे पहली सिंचाई 20 से 25 दिन में करनी चाहिए किसी भी किसान भाई को जो गेहूं लगा रहा है। और दूसरी सिंचाई की बात करें तो 50 से 55 दिन उसको लगना चाहिए। और अगर हम तीसरी सिंचाई की बात करें तो 100 से 110 दिन, और वहीं अगर हम चौथी सिंचाई की बात करें तो करीब करीब 131 दिन में टोटल ये चारों सिंचाई हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि हम इसमें गेहूं के बारे में सब कुछ बताया। अगर आपको कुछ लगता है कि हमसे छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमने क्या नहीं बताया है। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।